स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने देश से अपने ये वादा कर लिया हमने स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने देश से अपने ये वादा कर लिया हमने स्वच्छ भारत का हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी छल 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 कल 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 एक धुली सी जिंदगी स्वच्छता की ज्योत लेकर घर घर जाएंगे। जब हमारा मन पांच विकारों से बुराइयों से भरा पड़ा होता है तो बाहर की व्यवस्था को भी हम अस्त व्यस्त कर देते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी का जो राजयोग मेडिटेशन है हमें यही मूल्य सिखाता है कि पहले अपने मन को स्वच्छ और व्यवस्थित करना सीखें और उसके साथ साथ जो है हम अपने आस पड़ोस घर परिवार समाज सब जगह हम जो है अपने वातावरण को साफ सुथरा और स्वच्छ रखें। इसी उद्देश्य से हमारे सभी भाई बहने आज इस स्वच्छता अभियान में जो है भागीदारी निभा रहे हैं, सहयोगी बन रहे हैं। तो हमारी ये शुभकामनाएं कि हमारा भारतवर्ष जो है बहुत जल्दी से जो है स्वच्छ जैसे था सोने की चिड़िया और भी हमारे अच्छे संस्कारों से जो है शीघ्रता से जो है पूरे विश्व में विश्व गुरु बने और इसमें स्वच्छता का जो विशेष रोल है। इसी उद्देश्य से अभियान निकाला है। ओम शांति। आप सभी के सामने एक कविता लेके उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि आप इसे ध्यान पूर्वक सुनेंगे। मेरी कविता का नाम है पेड़ हमारे साथी है। पेड़ हमारे साथी है, छाया हमको देते हैं, बाढ़ से हमें बचाते हैं, मीठे फल भी देते हैं। पेड़ कितने जरूरी है फिर भी बिचारे करते हैं। हम भी पेड़ लगाएंगे, संसार को हरा भरा बनाएंगे। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम अभय है। मैं दूसरी कक्षा का छात्र आप सभी के सामने एक कविता लेके उपस्थित हुआ हूँ। मेरी कविता का नाम है ऊंट चला भाई ऊंट चला। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतनी ऊंची गर्दन इतनी ऊंची पीठ पीठ उठाए ऊंट चला। आलू है तो होने दो, पूंछ पूंछ को धोने दो, नहीं फंसेगा भालू। अब ऐसे कर रही फ्रॉम लखनऊ। वन डे ट्रिप पर आई थी चंडीगढ़ से स्कूटी लेके, सोचा था कुछ नया देखने को मिलेगा। सत्येन सर मिल गए, उनके साथ बहुत सारी बातें हुई, एक कनेक्शन हुआ कि कितना पोल्यूशन हो रहा है सफाई को लेके, वो सब चीज़ें जो मैं भी सोचती हूँ हम लोगों को अपने अंदर इम्बाइब करना चाहिए। एक ड्यूटी होनी चाहिए कि हमें पोल्यूशन नहीं करना है, कूड़ा नहीं फैलाना है। एंड ये ट्रैक अगर मैं अकेले होती तो शायद मैं नहीं कर पाती। सत्येन सर के साथ उन्होंने इधर उधर से एक्सप्लोर कराते कराते हमें पहुंचा दिया। थैंक यू, रियली गुड एक्सपीरियंस।